74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में दोस्ताना रिश्ते देखने को मिले। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां पर देश की और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नया इतिहास रचा गया। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा पहली दफा हुआ जब किसी आदिवासी महिला ने सेना के तीनों अंगों की परेड की सलामी ली। द्रौपदी मुर्मू की सलामी लेने की तस्वीरें दुनिया भर में हिंदुस्तान के समावेशी समाज का डंका बजा रही हैं। वहीं भारतीय नौसेना की झांकी में भी हिंदुस्तान की नारी शक्ति की झलक दिखाई दी। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने इसकी अगुवाई की, जिसमें 3 महिला अफसर और 5 अग्निवीर भी शामिल हुए। गणतंत्र दिवस के मौके पर आजादी की उम्मीद लगाए बैठे नवजोत सिंह सिद्धू और उनके परिवार वालों को निराशा हाथ लगी। सिद्धू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रिहाई के बाद जेल से उनके घर तक का रूट मैप शेयर किया गया था। पटियाला में जगह जगह सिद्धू के स्वागत में पोस्टर लगाए गए। सिद्धू के घर पर भी टेंट शामियाना लगाकर उनकी अगवानी की तैयारी की गई थी, लेकिन भगवंत मान सरकार की ओर से रिहाई का आदेश जारी नहीं हुआ। सिद्धू को अब अप्रैल तक जेल में रहना पड़ सकता है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि भविष्य में पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे और पीओके का भारत में विलय होगा। रामदेव ने कहा कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के लोग खुद भारत की शरण में आ जाएंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरिद्वार में तिरंगा फहराने के बाद रामदेव ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब, ये अलग राष्ट्र बनेंगे। पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा और पीओके का भी भारत में विलय होगा। उसके बाद बलूचिस्तान भी खुद सामने से आकर के कहेगा कि भारतम शरणम गच्छामि। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच बेहद दोस्ताना रिश्ते देखने को मिले। जीरो लाइन और पाकिस्तान चौकियों से कुछ मीटर की दूरी पर बीएसएफ के डीआईजी ने तिरंगा फहराया, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने मिठाई के डिब्बों के साथ बीएसएफ के जवानों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। बदले में बीएसएफ ने भी पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई के डिब्बे भेंट किए। बसंत पंचमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के धार जिले में 3 दिवसीय बसंत उत्सव का आगाज हुआ। धार जिले के प्राचीन भोजशाला मंदिर में मां वाग्देवी की विधिवत पूजा अर्चना के साथ बसंत उत्सव शुरू किया गया। दरअसल भोजशाला देश का एकमात्र ऐसा सरस्वती मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार बसंत पंचमी के मौके पर ही पूजा अर्चना के लिए खोला जाता है। इस मौके पर भोजशाला मंदिर और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है।